क्या बात है? आप बहुत परेशान हो। बहुत दिनों के बाद मैंने आपको इस तरह से परेशान देखा है। मैं क्या बताऊं पूनम, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूं। क्यों, आपके बिजनेस को क्या हुआ? तुम तो जानती हो पूनम कि पायल का बिजनेस में कितना इन्वॉल्वमेंट था। कपड़े की डिजाइनिंग से लेकर पैसों की डीलिंग तक सब कुछ तो वही हैंडल करती थी। तो अब क्या हुआ, क्या वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है? पूनम अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पायल का एक्सीडेंट हो गया। क्या? लेकिन ये कब हुआ, कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैं हांगकांग में था। क्या, पायल का एक्सीडेंट हो गया? जी हाँ, उसके दोनों पैर जिंदगी भर के लिए बेकार हो गए। वो अपाहिज हो गई है और सुमित की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन्हें क्या हो गया, इनके दिल में पायल के लिए अचानक इतनी हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? हाँ, आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है, और फिर माँ एक औरत है। शायद यही सोचकर उनका दिल भराया होगा कि पायल इतनी कम उम्र में अपाहिज हो गई, और वो भी जिंदगी भर के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ जमुना, क्यों रो रही? वो पायल है ना, मेरी छोटी बहू, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, हमेशा के लिए वो अपाहिज हो गई है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है। मेरा दिल कर रहा है मैं जाके उसे देखा हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्यों नहीं जाओगी? कैसे जाऊं, वहां दादी माँ है, वो मुझसे नफरत करती है, मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, वो मुझे चरित्रहीन समझती है। वो समझती है तो समझने दो, तुम्हारे दिल में पायल के लिए प्यार है ना, बस तुम्हें जाकर उसे देखना चाहिए। ये आप कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूं, इसमें क्या हो गया, चलो जाओ जाकर उसे देख के आओ। आप सचमुच महान है, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, आपने मुझे सहारा दिया, हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचा, कभी भी अपना हक नहीं मांगा, कभी भी ये नहीं जताया कि आपने मुझ पे एहसान किया है। आप सचमुच देव। खामोश, क्यों हमेशा ऐसा कहती रहती हो? आइंदे से ऐसा कुछ कहा तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, चलो जाकर उसे देख के आते हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, अरे भाई इंसानियत के नाते मैं उसे देखने आ सकता हूं। कब चलेंगे? आज। आप? हाँ बेटा, सुनील से पायल के एक्सीडेंट के बारे में हमें पता चला, इसलिए हम दोनों उससे मिलने आए हैं। आइए आइए प्लीज। दादी माँ, दादी माँ, बेटे पायल कहाँ है? ऊपर है, आइए। बेटी, सुनील से पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा लगा सुनकर। माँ जी, मुझे किसी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं है, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, दिन रात मेरी ही सेवा में लगे रहते हैं, उन्होंने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि मैं अपाहिज हो गई हूँ। नहीं बेटी, तुम अपाहिज नहीं हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ बेटी, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा।
उसकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? पर माँ, वो बेचारी तो पायल को देखने आई थी। वाह बेटा, अब वो बेचारी हो गई, भूल गया वो सब कुछ। कह देना उससे आइंदा इस घर में कदम ना रखे। क्या वो जताने आई है कि वो कभी इस खानदान की बहू थी? कह देना उससे शरीर से कोई अंग टूटता है तो वो फिर से नहीं जुड़ता। इस खानदान से उसका अब कोई ताल्लुक नहीं। अब रहने भी दो माँ, कितनी जोर से बोल रही हो, अगर कोई सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। अब इस उम्र में बच्चों को पता चले कि उनकी माँ मरी नहीं जिंदा है तो समझ ले क्या हो जाएगा। हम दोनों उनकी नजरों में गिर जाएंगे। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हमने उनको उनकी माँ से अलग कर दिया। माँ की बुराई उनको नजर नहीं आएगी, उल्टा उस पर प्यार न्योछावर कर देंगे। माँ की ममता के सामने हमें भूल जाएंगे, बच्चे हमें गलत समझेंगे। इसलिए बता देना उसे इस घर में अब कदम ना रखे। माँ, जब वो आई तब आपने उसे क्यों नहीं कहा? तब सुमित सामने खड़ा था, वरना तभी घर से बाहर निकाल देती। लेकिन माँ। ठीक है, तुझे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। तू भूल गया वो सब कुछ जब वो हमारे खानदान की पेशानी पर कलंक लगा रही थी, हमारी इज्जत पर दाग लगा रही थी? भूल गया सब कुछ? ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे समझाऊंगी। आपको दादी माँ बुला रही है। जाओ जमुना, शायद उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं आलोक, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए ना। देखो, ये तुम्हारा घरेलू मामला है और मैं बाहर का आदमी, तुम जाओ, इत्मीनान से जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। यस। खबरदार जो मेरे पैर छूने की कोशिश की तो क्या सोचकर पैर छू रही है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी? तो जैसी औरत आशीर्वाद तो क्या, बद्दुआ देने लायक भी नहीं है। दादी माँ, कुछ साल पहले जो आपको मेरे बारे में गलतफहमी हुई थी, मैं जानती हूं वो आपके दिल से अभी तक नहीं निकली होगी। कैसे निकालती? खानदान की इज्जत बहू होती है, पर तूने तो हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की। यह तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त से पहले सारी बातों का पता चल गया, वरना आज खानदान का नाम पता नहीं कहां होता। आखिर मैंने ऐसा क्या किया? उस वक्त भी मैंने आपसे पूछा था और आज भी यही पूछ रही हूं कि मैंने ऐसा क्या किया। आपने चरित्रहीन समझ के मुझे अपने घर से निकाल दिया, न जाने क्या क्या इल्जाम मुझ पर लगा दिए, लेकिन मेरी सच्चाई सुनने की कभी कोशिश नहीं की। क्या सच्चाई सुनो? हमारे खानदान की औरतें चार दीवारी में रहती हैं, पर तू तो पार्टीज अटेंड करती थी, वहां से देर रात लौटती थी, और तो और ऐसी पार्टीज में जाती थी जहां लोग शराब पीते थे, औरतें जुआ खेलती थी और अपने पतियों की कमाई अय्याशी में उड़ाती थी। मैंने कभी जुआ नहीं खेला, पर उनके साथ उठती बैठती तो थी। लोगों की नजरों में यही साबित होता कि तू भी उन्हीं में से एक है। और क्या भरोसा, आज नहीं तो कल तू ऐसा करती भी। दादी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जो सही है वही कह रही हूं। इंसान अगर शराब खाने में घुसकर चाय भी पिए तो लोग समझेंगे वो शराब पी रहा है। आदमी बुरे के साथ रहकर बुरा ही कहलाता है। मैंने बहुत सारी औरतों को बर्बाद होते देखा है, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं, तुझ पर भी नहीं। मेरी बात सुनिए तो सही। जो बात खत्म हो गई है उसे दोहराने से क्या फायदा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें चेतावनी दे दूं। जो प्यार, जो इंसानियत तुम्हारे दिल में उमड़ आई है उसे अंदर ही दफना दो तो अच्छा है, तुम्हारे परिवार के लिए और हमारे परिवार के लिए भी। क्या तुम चाहती हो कि इस परिवार में तूफान आ जाए, ये परिवार तितर बितर हो जाए, बर्बाद हो जाए? नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहती। तो बेहतर यही होगा कि आइंदा तू इस घर में पैर न रखे। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरा घर नरक बन जाए।
लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। निकलो यहां से। यमुना प्लीज, क्यों रो रही हो? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आलू, मैं कहती थी ना, मैं दादी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ, उन्होंने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। देखो, तुम इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। अपने आप को संभालो यमुना। दादी माँ मुझे चरित्रहीन समझती है, उन्हें लगता है मैं बहुत ही गलत और बुरी औरत हूँ। आलोक, अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने वहां जाके ठीक नहीं किया, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उस घर में दोबारा पैर रखे तो ठीक नहीं होगा, मेरे वहां होने से वो घर बर्बाद हो जाएगा। आलोक, आलोक, मैं उस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे हैं वहां पे, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, तुम्हारी कसम मैं वहां नहीं जाऊंगी। आलोक, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जमुना, क्या हुआ? पूनम, पूनम! अरे माँ, माँ को क्या हुआ? माँ, क्या हुआ पिताजी? तुम एक काम करो पूनम, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ प्लीज। हाँ माँ, माँ प्लीज उठिए ना। जमुना प्लीज। हाँ, सीरियस हार्ट अटैक हुआ। अब तबीयत कैसी है जमुना की? वैसे अभी खतरा बना हुआ है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज किसी भी तरह से मेरी जमुना को बचा लीजिए। उसके लिए आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आगे ईश्वर की मर्जी, उन पर भरोसा रखिए। वैसे एक बात बताइए, ये अचानक हुआ कैसे? कोई बात, किसी तरह का सदमा वगैरह? सदमा किस बात का हुआ है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिनकी वजह से मेरी जमुना की यह हालत हुई है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर। विजयमनाथ, 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 विजयमनाथ! क्या हो गया? कहाँ है तुम्हारी माँ? बाहर बुलाओ उसे। ये तुम्हारा तरीका है बात करने का? बहुत सही तरीका है बात करने का। बहुत रीत और रिवाज के सहारे जीते हो ना, बहुत कहना मानते हो उसका, बहुत नीति नियमों का पालन करते हो ना, यही तरीका है तुम्हारा? किसी को दुख पहुंचा कर उसे मौत के मुंह में पहुंचाते हो? अपनी जबान को लगाम देकर बात कीजिए, आप ये सब किसके लिए कह रहे हैं? यमुना के लिए, यमुना के लिए। क्या बिगाड़ा था उसने आपका, जो आपने उसे इतनी बातें सुना दी कि वो जिंदगी और मौत के बीच में सांस ले रही है? क्या जरूरत थी इसे ऐसी बातें सुनाने की? मैंने जो कहा सो ठीक ही कहा था। इससे पहले कि मैं आपको भी कुछ उल्टा सीधा कह दूं, आप यहां से चले जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, सबको सच्ची बात सुनाए बगैर मैं यहां से नहीं जाने वाला। कैसी सच्चाई, कौन सी सच्चाई बताना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माने क्या कहा सुनानी? चलो निकलो यहां से इसी वक्त। कैसी सच्चाई बताना चाहते हैं आप? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस इसका तो दिमाग खराब हो गया है। चलो 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 निकलो यहां से। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, आप सब यही खड़े रहेंगे। आज तक जिसे आप अपना देवता स्वरूप बाप समझते हो, जिसे अपनी मां समझकर दादी को पूछते हो, इस घर की बड़ी मानते हो, देवी मानते हो, असल में इस घर को बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? खबरदार, जो हमारी दादी माँ और बाबूजी के बारे में कुछ भी कहा तो। भैया ठीक कह रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता दादी माँ और बाबूजी के बारे में कुछ भी कहने का। हाँ हाँ, तुम सभी को अपनी दादी माँ के बारे में कुछ भी गलत सुनना कैसे अच्छा लगेगा? झूठ का पर्दा ओढ़े जो बैठी है। बेटे, तुम लोग कैसे इसकी बातें सुन रहे हो? बाहर निकालो इसे, धक्के मार के घर से बाहर निकालो। ठहरो, क्यों धक्के मार कर निकालने को कहते हो? इन्हें भी अपनी सच्चाई जान देना।
नहीं बेटे, ये झूठ बोल रहा है। बाबूजी, एक मिनट रुकिए, हम सुने सही, क्या ना क्या चाहते हैं। हाँ हाँ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं। विशंबर, कहने दो इन्हें, अपने दिल की भड़ास निकालने दो, उसके बाद देखते हैं हमारे बेटों के दिल में हमारे लिए प्यार है कि नहीं, किसको सच और किसको झूठ मानते हैं देखते हैं, हमारे रिश्ते की डोर कितनी पक्की है ये भी देखते हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। तुम लोग तुम्हारी मां के बारे में क्या जानते हो। यही कि उन्हें गुजरे कई साल हो गए। झूठ, सरासर झूठ। तुम्हारी मां जिंदा है। क्या मां जिंदा है? क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है, तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी दादी माँ ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो भी धक्के देकर, उसे चरित्रहीन कहकर घर से बाहर निकाल दिया, उस वक्त जबकि वो गर्भवती थी। ऐसी कंडीशन में उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या समझता है तुम्हारा बाप अपने आप को, क्या समझता है? दुनिया वालों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, ये होता है पति पत्नी का रिश्ता? और आप बहुत नीति नियमों की बात करती हैं, खानदान की इज्जत की बात करती हैं, यह होती है खानदान की रीत, गर्भवती बहू को घर से बाहर निकाल दिया। यह तो अच्छा हुआ कि वो आत्महत्या करने गई थी, तब मैंने उसे बचाया, उसे सहारा दिया। अगर वो आत्महत्या कर लेती तो पुलिस केस होता, तब कहां जाती दीवान खानदान की नाक, कहां होती? तुम्हारी बहू इज्जतदार थी इसलिए वो आत्महत्या करने गई थी। अगर वो गलत होती, चरित्रहीन होती, तो उसी तरह की जिंदगी बिताती। माइंड यू। आखिर आप बताते क्यों नहीं हमारी मां कौन है? यमुना।